मेरे साथ फैज भाई बैठे हैं अभी। अच्छा हैं बैठे हैं? हाँ बैठे हैं। अच्छा लो बात करो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। हाँ फैज भाई सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। आप बताइए आप कैसे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। कहाँ हैं आजकल? आप ही का लेक्चर अभी मतलब वो हम देख रहे थे सुन रहे थे। अच्छा हाँ अप्रैल फूल वाला माशाल्लाह। तो वही इतने में भाई का फोन आ गया। और सुनाए आप खैरियत से हैं? जी सब अल्हम्दुलिल्लाह। अरे शेख आपकी बहुत याद आती है, बहुत मिस करते हैं आपको। आपके लेक्चर से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हो रहा है। आप रहने के लिए कहाँ हैं? अभी तो मैं इलाहाबाद में हूँ। अच्छा जी जी। आप प्रॉपर वतन वही है आपका? हाँ यूपी के हैं, लखनऊ इलाहाबाद। जी और सब खैरियत से हैं आप? जी सब मजे में। तो फैज भाई मतलब आप कभी आइए लखनऊ में अपना तो कुछ कीजिए प्रोग्राम। प्रोग्राम है कानपुर में प्रोग्राम। अच्छा अच्छा 22nd 23rd अप्रैल। अच्छा चलो। और थोड़ा मतलब भाई वो दुआ मतलब करते रहिएगा यूपी के लिए, यूपी के मुस्लिम के लिए। इंशाल्लाह। बाकी तो सब माशाल्लाह आपसे इल्म में हम मतलब बहुत खासी। अच्छा भाई एक काम की बात करनी थी थोड़ी। हेलो आवाज आ रही ना मेरी? जी जी। हाँ ये इंटरनेट के ऊपर आजकल कुछ आपके वो जो आते हैं वीडियो आते हैं लेक्चर उनको लोग मतलब वो एडिट करके बीच में से काट के उसको मतलब उल्टा सीधा मतलब उसका आंसर देते हैं कि मतलब वो एक्सपोज एडवोकेट फैज सैयद और ये वो। तो थोड़ा मतलब आपकी अगर कोई वो टीम हो तो थोड़ा उसका आंसर अगर अपलोड अगर हो जाएगा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, आसानी रहेगी हमारे लोगों के लिए। वो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए टीम बनाना, ऑलरेडी पहले स्टाफ कम चलता है मतलब। अरे तो हमें अपनी टीम में रख लीजिए अपनी। हम तो आपके शागिर्द ही हैं। निकालना आपको आपको देना वो सारी चीज मतलब यहाँ रहते कैसे हम लोग सामने हैंडल कर लेते हैं। देखेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि इसका रिस्पांस दे इंशाल्लाह। हाँ बाकी मैं भी मतलब ये लोगों से फोन पे बात करता रहता हूँ, उसकी ऑडियोस मतलब वो डालता रहता हूँ तो काफी अल्हम्दुलिल्लाह इससे फायदा हो रहा है। लेकिन अब असल में बीच में मतलब लोगों ने कुछ ये मतलब ये कॉलिंग वाले मतलब जो हमारा दावत इस्लाह का काम था इसको एक मतलब वो मजाक बना दिया है कि आज जो मतलब जो फोन कर रहा है उल्टे सीधे सवाल कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो ऐसे लोगों से बात करना एकदम ही मतलब वो खत्म कर दिया है, बंद कर दिया है। जरूरी हो तो मुश्किल होता है तो। जी जी अच्छा शेख ये इल्मे गैब के ऊपर एक था मेरा क्वेश्चन कि देखिए अल्लाह के नबी को इल्मे गैब था ठीक है, लेकिन वो इतना इल्मे गैब था जितना अल्लाह ने दिया। जी जी। तो यही तो हमें मतलब जो बाकी भाई हैं बरेलवी भाई हैं उनका भी अकीदा है कि हाँ अताई इल्मे गैब है, तो फिर उनको कैसे मतलब एक्चुअली वो अताई बोले तो उनका कैसा रहता? अताई बोले तो अल्लाह ने देखिए उनको मुकम्मल इंडिपेंडेंट छोड़ दिया ये बोलते हैं उनका। हाँ, अताई जो है ना जी, माना है अल्लाह ने दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल छोड़ दिया, अब वो जो चाहे उसमें से फायदा उठा सकते हैं। अच्छा जबकि हमारा मानना ही अल्लाह जब चाहता है अपने फरिश्ते के जरिए आपको वो बता देता है, वो अताई नहीं था बल्कि अल्लाह ताला ने मौकों से हालात से बताया। अच्छा ये उमूर गैब भी इसको बोल सकते हैं ना, उमूर गैब? हाँ वही उमूर मतलब जो चीजें जो गायब की है होने वाली वो आपको बताई गई बहुत सारे हालात वाकया। अच्छा एक आयत है कुरान की कि वो इस जमीन और आसमान का इल्म वो सिर्फ मतलब अल्लाह सुबहान व तआला को है, तो हम ये मतलब जब हम लोगों से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इल्मे गैब एक पावर है ठीक है, इल्मे गैब जो एक पावर है वो सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के नबी को जो मतलब वो इल्म है गैब का वो एक उमूरे गैब है, मतलब उनका जाती नहीं है ना ही अल्लाह ने उनको अता किया। हाँ, ऐसा बोलते हैं अल्लाह ताला ने बस बता दिया वो जो होने वाली चीज थी ये, लेकिन उनके खुद का पावर भी नहीं है और खुद की इसमें कोई खुसूसियत भी नहीं है। अच्छा और आज आजकल का एक मतलब बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये इंजीनियर वो अली मिर्जा साहब हैं वो अक्सर मतलब उनके लेक्चर मतलब वो हर टॉपिक पे हैं और वो हवालों से एकदम बात करते हैं, तो मतलब वो तलाक के ऊपर उनका मौकफ है कि मतलब वो तीन तलाक मतलब वो एक मतलब देखिए
आपका हमारा मानना है, हाँ अहले हदीसों का अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा है कि मतलब एक मजलिस की तीन तलाक एक ही है, ठीक। और आपका लेक्चर मैंने पूरा सुना है कि तलाक कब और कैसे दें, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन लेक्चर है माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अब ये मतलब इंजीनियर अली मिर्जा मतलब कहते हैं कि वो दाढ़ी को भी काट सकते हैं एक मुश्त के बाद, तो वही एक्चुअली मैं जानता नहीं हूँ कौन है और क्या उनका है, कभी सुना भी नहीं उनको। अच्छा। तो आप किसी लोकल आलिम से वगैरह आप एक बार पूछिए जो उनको सुन चुके हैं, खाली बोलने से नहीं होगा, उनको जिसने सुना हो तो वो सही जवाब दे सकता कि इल्मी उन्होंने जो सवाल उठाए या मतलब क्या है, मतलब जैसा कि काटना वगैरह दाढ़ी का जो, अगर इल्मी है तो एक अलग बात, अगर वो किसी वजह से किए तो। अच्छा, इनका कीदा क्या है इंजीनियर अली मिर्जा साहब का? नहीं मुझे नहीं पता, वो बताओ, मैंने सुना ही नहीं कभी उनको, मैं नाम सुना सिर्फ उनका। अच्छा, एक बार देख लीजिएगा उनके वीडियोस, मतलब उनके भी अच्छे रहते हैं माशाल्लाह बयान काफी, लेकिन थोड़ा उनका मतलब वो अहले हदीसों से वो इख्तलाफ रहता है। अच्छा, एक सवाल था कि अल्लाह के नबी के जो मतलब वो माँ बाप थे तो वो ईमान वाले थे या मतलब ईमान वाले नहीं थे? नहीं थे। अच्छा, नहीं थे, नहीं थे। अच्छा, तो इसमें वो जो हमारे वो पाकिस्तान के जो अल्लामा थे, ठीक है, वो शेख वो जुबैर अली जई साहब, तो उनका मौकफ था कि हमको मतलब इसके ऊपर वो खामोश रहना है कि ना तो हम उनको काफिर कहेंगे ना उनको ईमान वाला कहेंगे। हाँ वो है, लेकिन उसमें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतें हैं ना, हदीसें हैं, मैंने इजाजत मांगी थी अपनी वालदा की खबर बताने की, जी जी, मुझे इजाजत नहीं दी गई, अब मुझे इजाजत दी गई है। तो इस रिवायत में एक शख्स आके सवाल किया कि मेरे वालदेन कहाँ है, तेरे वालदेन जहन्नम में है, आप समझी फिर वो हुए, कहा कि अल्लाह आपकी गमजदा होगा तो काम मेरे भी वही है, आपकी जबान से जब अल्फाज निकल गए तो अब हम, हाँ पब्लिक में चूंकि इससे इंतजार होता है तो एक मतलब खामोश बैठना चाहिए, ये माना है उसका, नहीं बोलना चाहिए इन बातों को पब्लिकली। अच्छा, मतलब इससे अकीदा मतलब वो हम लोग मतलब क्या अपना बनाए कि अल्लाह के नबी मतलब अल्लाह के नबी के वालिदैन मतलब ईमान वाले नहीं थे? नहीं थे बिल्कुल, आप सुनो खुद रिवायत है ना, और फिर इसको जी जी वो तो मैंने है, आपके लफ्ज़ में मैंने देखा है जी, मुहदिसी ने ऐसा चैप्टर बांधा कि गैर मुस्लिम की मजार की जियारत बोल के बाप बांध दिया, आप सुनो की जो जियारत हुई आपकी वालदा की। हाँ, नसाई शरीफ में है, इमाम नसाई लाए हैं कि हाँ बाप बांधा की गैर मुस्लिम की मजार की जियारत, तो फिर जब इतने बड़े बड़े मुहदिसी लिख रहे हैं उसको बाप बांध रहे मसाइल लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा उनका ये अकीदा था, लेकिन इसको अवाम उन्नास के सामने नहीं बोलना चाहिए, उससे लोग इंतजार होता है जैसा भड़क जाते हैं। जी जी माशाल्लाह, नहीं ये एक मतलब वो हमारे वो जो हनफी आलिम थे, ठीक है, वो मुल्ला अली कारी, तो उन्होंने पूरी एक मतलब बाकायदा वो किताब ही लिखी है कि वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मानने वालों के लिए इस अकीदे पर दलाइल कि अल्लाह के नबी के जो अम्मा अब्बा थे वालिदैन थे वो कुफ्र पर उनका इंतकाल हुआ, तो मतलब ये हनफियों का भी अकीदा है, लेकिन वो हम लोग के ऊपर मतलब उंगली करते रहते हैं। हाँ वही है, तो एहतियात करना अच्छा है। अच्छा, जो ये हनफी मतलब जो ये फिका है, ठीक है, जैसे मतलब ये हिदायत दुर्र मुख्तार और ये आलमगीरी, तो इसमें अजीब गरीब मतलब वो वाकियात हैं कि मतलब वो कुत्ते को गोद में भी नमाज मतलब पढ़ सकते हैं, और वो चूहे के दुम अगर कट के कुएं में गिर जाए तो कुएं का पानी फेंकना पड़ेगा, लेकिन कुआं अगर कुत्ते में ऐसे मसाइल आ जाए तो क्या किया जाए, बल्कि एडवांस लिखी हुई चीज है समझ लीजिए। हाँ तो ये एडवांस लिखना मतलब ये कहाँ तक ठीक, मतलब ये कोई मसला ही नहीं है ना। अब पता नहीं उस जमाने में होता हूँ अपने मतलब वो समाज में क्या होता था वल्लाह वाला, मैंने कभी पढ़ा नहीं हूँ किताबें। हाँ मतलब और ऐसे से वाकयात हैं कि रोजे की हालत में हाथों से मनी खारिज करने पर रोजा फासिद नहीं, मतलब रोजा ही नहीं टूटता है। हाँ मैंने देखा हूँ, लेकिन दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर एक, हाँ सफा नंबर 512 पे भी लिखा हुआ है ये, तो यही सब मसले मसाइल। और जब हम लोग उनसे कहते हैं कि भाई देखो तुम्हारी फिका में ऐसा है, तो कहते नहीं हमारी फिका कुरान हदीस का मतलब वो जूस है, निचोड़ है, और इसका हर एक मसला साबित है, वो जित नहीं बताना ही ज्यादा अच्छा है इंशाल्लाह, हमारे लिए ज्यादा खैर है। अच्छा मतलब इसको के लोग मानते भी नहीं ना, लोग मानते भी नहीं तो क्यों बताने का जो सारी चीजें। अच्छा अच्छा, कहीं अगर वो बोला कि भाई इसके अलावा कोई हक नहीं है तब बताने का अलग बात। अच्छा अच्छा, हाँ तो फैज भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो आप कब तक हैं वहाँ पे? मैं अब चला जाऊंगा इंशाल्लाह कल सुबह। अच्छा मतलब आज ही की रात है आपके पास मतलब? अरे माशाल्लाह, हमने मतलब यही उमेर भाई से कहा था कि जब भी वो आएंगे उनसे मेरी बात करवा देना, मैं आपका बहुत बड़ा मतलब भाई वो फैन भी हूँ और ऑनलाइन स्टूडेंट भी हूँ,
अल्हम्दुलिल्लाह हमें याद रखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह बात हम एक बार आपसे बात करना चाह रहे थे। जी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई आपने फैज भाई से बात करवा के बहुत 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 एहसान किया मेरे ऊपर। वादा किया था ना वो जैसे वादा किया था ना भाई। नहीं नहीं माशाल्लाह असल में आपका फोन आ रहा था ना इतनी रात हो गई है कि मैं रात को मतलब बात में कर नहीं सकता था, लेकिन अब आपने कहा फैज भाई से बात होनी है तो मैंने कहा चलो रात दिन में से भूल गया, मैंने कहा चलो बात करे। और सुनाए सब खैरियत से हैं? हाँ भाई अभी खंड कर लिया फैज भाई के साथ में। अच्छा अच्छा हाँ अभी प्रोग्राम था इनका हमारे गाँव में भेजा था ना वॉल पेपर। अच्छा हाँ वो आपका आया था लिस्ट आया था प्रोग्राम के ताल्लुक से कि मतलब इस डेट को प्रोग्राम है माशाल्लाह तो हो गया। कौन से टॉपिक पे था ये बच्चों के तरबियत वाले दिन कैसे करें जी उनके साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह तुम्हारे कुछ दिनों से आइडिया नहीं आ रहे भाई ऑडियो मेरे इसलिए नहीं आ रहे ना थोड़ा मतलब वो असल में अब जो मतलब ये गाली गलौज करते थे फालतू की बातें करते थे मुकल्लिद भाई लोग उनसे बात करना मतलब एकदम छोड़ दिया बंद कर दिया है। अब जो अच्छे लोग हैं जो लोग प्यार से बात करते हैं तमीज से बात करते हैं इल्मी अंदाज में बात करते हैं तो उनकी इसलाह करने में अच्छा लगता है। अब इसको लड़ाई झगड़ा फितना नहीं मचाना है ना हम लोगों को, हम लोग दाई इंसान है समझ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह की दीन की बात को कुरान और हदीस की रोशनी में हमको बताना है, लोगों पे थोपना नहीं है यहाँ जबरदस्ती उनके ऊपर थोप दें। हाँ